नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं अपने चैनल हेल्थ केयर पे एक नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, आज का टॉपिक है सेंधा नमक। सेंधा नमक हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना लाभदायक है और कितना नुकसानदायक है, इसी संबंधित आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमक के बारे में तो ऐसे हम सभी आदमी जानते हैं कि नमक हमारे लिए कितना उपयोगी है। प्रत्येक घर में नमक का उपयोग होता है। नमक NaCl, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह सेंधा नमक भी वही है। सेंधा नमक का जो है सो साल्ट पाया जाता है, चट्टान पाया जाता है, चट्टानों को तोड़ करके सेंधा नमक का निर्माण किया जाता है। जबकि मैं जनरल नमक का बात करूं तो जनरल नमक के लिए उसकी खेती की जाती है समुद्र किनारे, समतल जमीन को बना करके उसपे खड़ा पानी को एकत्रित करके नमक का निर्माण किया जाता है और उससे नमक जो प्राप्त होता है उसमें आयोडीन मिला करके मार्केट को सप्लाई किया जाता है। जबकि सेंधा नमक का मैं बात करूं तो सेंधा नमक कई प्रकार के पहाड़ी चट्टानों से मिलकर के पहाड़ी चट्टानों में पाया जाता है, उसका स्पेशल चट्टान आता है। सेंधा नमक मार्केट में दो तरह से पाया जाता है, एक चट्टानों के टुकड़ा के तौर पर मिलता है मार्केट में और दूसरी अगर मैं बात करूं तो ये पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है। तो आज मैं जिस संबंधित आपसे बातें करने जा रहा हूं वो सेंधा नमक पाउडर के फॉर्म में है और ये मेरे पैकेट में देखिए, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। ये सेंधा नमक का पैकेट है। सेंधा नमक का बात करें तो जनरल नमक जहां आप 10 रुपए पर केजी के अनुसार मार्केट में प्राप्त कर लेते हैं, वहीं सेंधा नमक को प्राप्त करने के लिए आपको इसके 10 गुने पे करना होता है। 110 रुपया 1 केजी के लिए यहां पे प्राइस दिया हुआ है। 110 रुपया 1 केजी सेंधा नमक प्राप्त करने के लिए आपको पे करना होता है मार्केट में। जी हाँ, जितना ही इसका मूल्य है, प्राइस है, उतना ही इसका बेनिफिट भी है। अगर मैं सेंधा नमक का गुण का बात करूं तो इनका ढेर सारा गुण है जिसके वजह से मार्केट में ये इजिली सप्लाई हो जा रहा है, इजिली लोग परचेज कर रहे हैं और इसका उपयोग कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि सेंधा नमक का उपयोग क्या क्या है, क्या क्या फायदा है उसको लेने से। तो सेंधा नमक जब आप लेते हैं, जब आपके गले में खराश हो जाए, सूजन हो जाए, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, उस स्थिति में अगर आप सेंधा नमक से गलगला करते हैं, 1 टीस्पून सेंधा नमक 1 ग्लास वार्म गुनगुना पानी में अगर 1 टीस्पून लेते हैं आप सेंधा नमक और मिक्स करके उसे आप गलगला करते हैं तो आपके गले की प्रॉब्लम्स जो है तो कुछ क्षणों के लिए सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस संबंधित मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। ऐसे तो ये पैकेट पैक करने वाली कंपनियों का कहना है कि 84 से ज्यादा मिनरल्स इस सेंधा नमक में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट 10 गुना जनरल नमक की अपेक्षा होता है और इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है। तो इसी सीरीज में एक बेनिफिट आपको मैंने बता दिया कि जब सुसुम पानी से, गुनगुना पानी से उसमें अगर सेंधा नमक मिला करके आप गलगला करते हैं, कुल्ला करते हैं, तो उससे आपकी गले की समस्या दूर हो सकती है। मैं दूसरी फायदा की बात करूं तो दूसरी फायदा है कि जब आपके नसों में अकड़न, मांसपेशियों में अकड़न होता है, उस समय आप 1 ग्लास नॉर्मल वाटर में 1 चम्मच आप सेंधा नमक मिलाकर पीते हैं तो उससे भी बहुत फायदा आपके शरीर को पहुंचता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अगर आप किसी टॉब में गुनगुने पानी के साथ में सेंधा नमक मिला करके और उसमें अपने जिस पार्ट्स में आपको दर्द है उसको सेकने का काम करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा आपके शरीर को मिलता है, फायदा मिलता है। मैं अगर तीसरा बात करूं, इससे तीसरी फायदा क्या है, तो इसमें पोटासियम की मात्रा अधिक होने की वजह से ये आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है जनरल नमक की अपेक्षा, और आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। स्किन संबंधित प्रॉब्लम जो सनलाइट की वजह से आपके चेहरे पे धब्बा, मुहासा जो भी आ जाता है उसको दूर करने के लिए भी ये बहुत उपयोगी माना जाता है। अगर आप हनी के साथ मिला के, मधु के साथ मिला करके
अगर सेंधा नमक का उपयोग आप अपने चेहरा फेस पे करते हैं तो आपका फेस ग्लो करता है, झुरझुरी जो आपके फेस पर नजर आते रहता है वो सब मिट जाता है बहुत जल्द। इसमें भी आपको स्किन रिलेटेड बहुत ही फायदा पहुंचाता है। या स्किन रिलेटेड कोई भी डिजीज है और सेंधा नमक मिला करके सुसुम पानी में आप स्नान करते हैं तो उससे भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती है। तो इस तरह से मैंने देखा किडनी के प्रॉब्लम से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी नमक जनरल नमक की अपेक्षा सेंधा नमक ज्यादा ही बेनिफिट पहुंचाने का कार्य करता है। अगर बॉडी में आपको पेन है तो इसको लेने से आपके बॉडी का पेन भी हद तक रिलीफ दिलाता है बॉडी के पेन में। इसको गुनगुना पानी के साथ में आप एक ग्लास पानी के साथ मिक्स करके ले सकते हैं। तो मैं बातें करूं अब इसकी फायदा की, मैंने बात कर ली, इसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कैल्शियम जैसे कि पाया जाता है, हम सभी आदमी जानते हैं कि कैल्शियम हड्डी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस कैल्शियम संबंधित मैंने इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के मेरे चैनल पे कैल्शियम रिलेटेड समस्या और उसका निदान देख सकते हैं। आज मैं सेंधा नमक से रिलेटेड बातें कर रहा हूं, इसमें कैल्शियम पोटासियम और पोटासियम कैल्शियम और जिंक की मात्रा पाई जाती है। जिंक हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए कितना महत्वपूर्ण है हम सभी आदमी जानते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है उस पर। तो इसकी इतनी ढेर सारा फायदा होने की वजह से इसकी प्राइस जनरल नमक जहां 10 रुपए केजी मिलता है वहां इसको लेने के लिए 110 रुपया हमें पे करना पड़ता है। तो मैं आगे बात कर लूं इस संबंधित कि ये मार्केट में तो इजिली अवेलेबल है अगर आप परचेज करना चाहते हैं। भारतीय परंपरा में फास्टिंग का बहुत ही महत्व है और प्रत्येक पर्व त्योहार में लोग फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास के दरमियान भी ये प्योर फॉर्म में पाए जाने के कारण इसका ढेर सारा लोग उपयोग करते हैं और सेंधा नमक से ढेर सारा मिनरल्स होने के कारण बहुत ज्यादा बेनिफिट भी पहुंचाता है। तो ये हुई इसके फायदे की बात। मैं इसके नुकसान की बात करूं तो इसमें आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि ये पहाड़ से निकलते हैं और पहाड़ी इलाका में जनरली पाए जाते हैं। आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण इसका साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर आप रेगुलर लेते हैं इसे तो घेघा जैसे रोग, थायराइड जैसे रोग हो सकते हैं अगर आप रेगुलर लेते हैं, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। इस कारण से इसका साइड इफेक्ट बस कॉमन एक आध साइड इफेक्ट है, कोई बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है नहीं। बेनिफिट की जहां तक बात करें तो 10 से ज्यादा बेनिफिट अभी आपने देखा, इसका 10 से ज्यादा बेनिफिट है। और मिलने की बात हुई तो ये प्रत्येक मार्केट में अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, लेकिन कॉस्ट हाई होने की वजह से परचेज करने में जनरल पीपल्स को थोड़ी सी परेशानी हो रही है। और धन्यवाद मेरे वीडियो को।